जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत हो गया आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंपोर्ट लाइफ एलटेक में। मेरा नाम दिल साध और आज के इस नई वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नीदरलैंड वुमेन्स वर्सेस आयरलैंड वुमेन्स के बीच में जो पहला टी ट्वेंटी मैच होने वाला, तो इस मैच में अपनी फंटेसी टीम किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए आपको बता दूँ ये मैच मेगा लीग तो है नहीं, बट दोस्तों फिर भी जितना फर्स्ट प्राइज है वो बहुत है और इसमें जीतना बहुत आसान है गाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग खेलने वाले हैं और बहुत कम यूट्यूबर इसको कवर करने वाले हैं, तो क्या होगा गाइस उनके जो फॉलोअर्स हैं या तो जो उनको फॉलो करते गाइस वो बिल्कुल इस मैच को कवर नहीं करेंगे। तो आप लोग इसका फायदा भरपूर उठा सकते हैं, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस मैच में अच्छा आपको विन करवाने वाला। बट आप लोग वीडियोज को ध्यान से देखिए गाइस। देखिए तीन टी ट्वेंटी मैच होने वाले हैं दोनों टीम के बीच में, ये पहला टी ट्वेंटी मैच होगा उनमें से। बात कर रहे थे गाइस ये मैच स्टार्ट कब होगा, ये मैच जो फिलहाल 14 अगस्त इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग जो फिलहाल 5:30 VRA क्रिकेट ग्राउंड में होने वाला है गाइस। और इस वेन्यू के बारे में बात कर रहे थे, देखिए वेन्यू पूरी तरीके से बैटिंग के फेवर में रहने वाली है। बाकी दोस्तों आपको बता दूं फिलहाल जो है नीदरलैंड वुमेन्स टीम है उस टीम का बैटिंग लाइन अब कमजोर है, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए आयरलैंड वुमेन्स टीम बढ़िया कर सकते हैं गाइस। आगे बढ़ते गाइस बात करेंगे दोनों टीम के प्लेइंग 11 के बारे में। उससे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री टीम अपडेट वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। फर्स्ट कमेंट बॉक्स और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा है, क्लिक करिए दोस्तों आ जाइए। यहाँ पे हर मैच को कवर करता हूँ जिसका आपको यूट्यूब चैनल पर वीडियोस भी नहीं मिलता गाइस, तो आप लोग ज्वाइन करिए। फ्री टीम आपको पाना है तो फिलहाल यहाँ तक आना ही है, क्योंकि आफ्टर टॉस वाले अपडेट जो होते गाइस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और मेरे नाम से कोई भाई बता दो पैसे मांगे तो आपको देने नहीं, ये ध्यान रखना आपको पैसे बिल्कुल नहीं देने, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी अपडेट है जो बिल्कुल फ्री में मिलता है गाइस। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, कुछ प्लेयर यहाँ पे नीचे आ चुके हैं ठीक है, तो इनका कोई आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूँ दोनों टीम की प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर गाइस। सबसे पहले बात करते हैं नीदरलैंड वुमेन्स टीम के बारे में, इस टीम के जो ओपनर है गाइस हीथर सिगर्स जो कि टीम के कैप्टन भी हैं, ये ओपनिंग करेंगे गाइस रुबिन रिस्के के साथ जो कि ऑलराउंडर हैं, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम पेसर है गाइस। फिर आपको मिलेंगे एज विलिंग जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम पेसर है, इवन लिच, फिर उसके बाद यहाँ पे बेटन ली डीज जो कि दोस्तों विकेट कीपर है, एंड उसके यहाँ पे हन्ना लेंदीर, फेबे और मेल्क बोयर, और यहाँ पे क्वेलिन डीलिंग, और यहाँ पे इसबेल वैन डेर वेनिंग सी वैन कोच भी आपको मिल जाएगी। बात कर लेते हैं दोनों टीम की प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर के बारे में, कुछ प्लेयर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गए, इसको मैनेज कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले नीदरलैंड टीम के प्लेइंग 11 के बारे में, इस टीम की जो ओपनिंग होगी गाइस हीथर साइगर्स जो कि टीम की कैप्टन है, और यहाँ पे रिस्के के साथ गाइस, ये आपको ध्यान में रखना। तीसरे नंबर आपको मिल जाएंगे ज्वेलिंग, फिर आपको चौथे नंबर मिलेंगी इवन लिंच, फिर आपको मिलेंगे बैटन ली डीज जो कि फिर हेनना लेंदीर, फेबे मिल्क बोर, उसके यहाँ पे कॉलिन डी लेंच, इसबैल वेंडर वेनिंग एंड सी वैन कोल्जविक, और उसके यहाँ पे मिल जाएगी एम ज्विलिंगस। ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रही होगी गाइस। बाकी आगे बात करेंगे स्टैट्स एंड रिकॉर्ड के बारे में, स्टार्टिंग के और आपको ज्विलिंग एंड इलिच के द्वारा देखने को मिल जाएगा, मिडिल पे आपको मिलेंगे रिचके और सी डी लेंच, उसके यहाँ पे दिन आपको मिलेंगे मेल्क बोर ज्विलिंगस। आपको थोड़ा सा नाम डिफरेंट लग रहा होगा बट बता दो भाई मैच बहुत ही बढ़िया है विनिंग करने वाला। लेकिन यहाँ पे आयरलैंड वुमेन्स के बारे में बात करते हैं, इस टीम के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, गैबी लेव्स और यहाँ पे ओरला प्रिंट कास्ट दोस्तों ये ओपनिंग करेंगे, फिर आपको मिलेंगे लैरन डोरिनी जो कि टीम की कैप्टन है, एमी हंडर आपको चौथे नंबर बैटिंग करते नजर आ सकते हैं, फिर आपको मिलेंगे रिबिका स्टोकेल जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, और यहाँ पे ए लिटिल जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, उसके यहाँ पे बात करते हैं एरन कैली जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम पेसर जो कि दोस्तों ऑलराउंडर है। लेकिन यहाँ पे जी डैम्सी जो कि दोस्तों राइट हैंड पेसर बॉलर्स हैं, एवे कैनिंग ये भी राइट हैंड मीडियम पेसर बॉलर्स हैं, करार मुरारी जो कि स्पिनर है, एंड दोस्तों एमी मैगर जो कि दोस्तों स्पिनर है। स्टार्टिंग और आपको इस टीम के जो है बता दूं कैनिंग और पेंडकास्ट के द्वारा दोस्तों देखने को मिल जाएगा, मिडिल पे आपको मिलेंगे ए मैग और सी मुरारी, उसके यहाँ पे डेथ में अगर हम बात करते हैं सी जो कि जी डेम्सी, और उसके यहाँ पे लॉरा डेलेनी गाइस, नाम थोड़ा सा डिफरेंट है गाइस। बाकी कोई ना दोस्तों प्लेइंग बैटिंग ऑर्डर कुछ इस हिसाब से रहने वाली। बाकी दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं गाइस जो कि मैच के बारे में और जो और इंपॉर्टेंट अपडेट है, उससे पहले बात कर लेते हैं गाइस पिच रिपोर्ट के बारे में ठीक है। वीआरए क्रिकेट ग्राउंड जिस ग्राउंड पे मैच होने वाला, तो उस पर जो रिसेंट मैच खेले गए क्या उनका स्कोरिंग पैटर्न रहा है, क्या स्कोर कार्ड है, किस हिसाब से दोस्तों हमें यहाँ पे टीम को बनाना होगा वो दोस्तों जान लेते हैं। देखिए ओवर अगर हम देखते गए तो यहाँ पे एवरेज स्कोर जो कि वेन्यू का वो काफ़ी गजब है, मतलब बैटिंग के फेवर में पिच नजर आ रही है। बट दोस्तों जो दो मैच मैंने यहाँ पे रखे जैसे कि 12 जुलाई 2018 ठीक है, 12 जुलाई 2018 को यहाँ पे मैच खेला गया, जिसमें कि हम देखते हैं टीम क्या क्या थी। आयरलैंड वुमेन्स जो कि पहले बैटिंग करते हुए 113 का स्कोर बनाया था, 6 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद पीएनजी वुमेन्स टीम 86 पे ही 10 विकेट गवा दी थी। फर्स्ट इनिंग में पेसर को 1 और यहाँ पे स्पिनर को 3 विकेट मिली थी, सेकंड में पेसर को 6 और स्पिनर को 3 विकेट थी, ओवरऑल यहाँ पे पेसर को 7 विकेट मिली थी, स्पिनर को दोस्तों
छह विकेट, मतलब स्पिनर और पेसर दोनों ही गजब की फॉर्म में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बढ़ते हैं, 12 जुलाई 2018 को एक मैच और खेला गया था जिसमें कि बांग्लादेश वुमेन्स टीम पहले बैटिंग करते हुए 125 का स्कोर बनाया था। उसके बाद स्कॉटलैंड वुमेन्स टीम 76 पे 7 विकेट, मतलब कि दोस्तों 76 रन ही बना पाई थी 20 ओवर में गाइस। एंड अगेन यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में पेसर को 4 विकेट और स्पिनर को 1 विकेट मिलती, सेकंड में पेसर को 0 और स्पिनर को 6 विकेट मिली थी गाइस। वही नहीं कहीं आप देखते हैं तो पेसर को 4 और स्पिनर को 7 विकेट, मतलब स्पिनर को दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिला है। तो स्पिनर को आप गलती मत करिएगा इग्नोर करने के, ड्रॉप करने के, स्पिनर को जरूर आपको लेकर चलना है, पेसर को भी रख लेना। और दोस्तों अगर हम बात करें जो कि T20 एनालिसिस क्या है इस ग्राउंड का, तो फिलहाल यहाँ पे टोटल अगर हम देखते हैं वुमेन्स T20 के गाइस 10 मैच खेले गए जिसमें कि जो टीम पहले बैटिंग करी उसने 5 विन करें और चेस करने वाली टीम में दोस्तों 4 विन करें, 1 मैच का 9 रिजल्ट है। हाईस्ट स्कोर यहाँ पे दोस्तों आप ओवरऑल देखते हैं 146 का बना हुआ है, लोवेस्ट की बात करते हैं 43 का बना हुआ है। तो आप मान के चलिए गाइस यहाँ पे फिलहाल जो कि 120-125 तक का आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा। और इस हिसाब से कब एक्सेप्ट करेंगे, जब आयरलैंड वुमेन्स टीम पहले बैटिंग कर रही हो, अगर नीदरलैंड वुमेन्स टीम पहले बैटिंग करती गई तो फिर आप मान के चलिए भाई यहाँ पे 80-90 रन, उससे ज़्यादा मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें टीम बनानी होगी। आगे बढ़ लेते हैं, बात करते गए जो कि हेड टू हेड और रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है टीम का। देखिए रिसेंट फॉर्म की बात कर रहे थे, नीदरलैंड वुमेन्स जो कि 5 मैच खेल रहे गए उसमें से देखते हैं तो 2 विन है और 3 लॉस हैं। और आयरलैंड वुमेन्स टीम जो गई इस टीम ने भाई 5 मैच खेले, 5 के 5 लॉस हैं जिसमें कि दोस्तों मैंने इंक्लूड किया ओडीआई और T20 को। बट दोस्तों ये 5 मैच आपको बता दूँ भाई वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ थे और जो कि है ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के खिलाफ थे। तो इसमें जो मैच हुआ था भाई वो दोनों टीमें काफ़ी अच्छा कर रही हैं, तो कहाँ से टीम विन कर सकती है। बाकी हेड टू हेड की बात करते हैं, नीदरलैंड वुमेन्स और आयरलैंड वुमेन्स के बीच में टोटल जो है 7 मैच खेले गए जिसमें कि नीदरलैंड वुमेन्स ने 1 विन किया और फिलहाल आयरलैंड वुमेन्स ने 5 विन किया, 1 मैच का 9 रिजल्ट भी रह गए। और इस मैच की बात करें तो फिर इस मैच में भी दोस्तों जो कि आयरलैंड वुमेन्स टीम ही मैच को विन कर सकती है। अगर आपने बैट बॉल एलेवन को डाउनलोड नहीं किया मेरे भाई तो कर लीजिए, फर्स्ट कमेंट बॉक्स और वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा है। क्यों मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे एंट्री फी का कंपैरिजन जो कि बहुत ही कम है, जैसे कि जहाँ पे आप खेल रहे 575 रुपये कॉन्टेस्ट, वही कॉन्टेस्ट आप यहाँ पे 525 का खेल सकते हैं, 50 रुपये बचा सकते हैं। 1749 का जो कॉन्टेस्ट खेलते हैं आप, तो वही कॉन्टेस्ट आप यहाँ 1599 खेल सकते हैं, 150 रुपये की अपनी सेविंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको कॉन्टेस्ट मिल जाएंगे जिसमें कि दोस्तों आप अपने पैसे बचा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जो अपडेट मेन है भाई वीडियो से रिलेटेड और मैच से रिलेटेड। तो यहाँ पे गाइस मैं सबसे बताऊंगा आपको विकेट कीपर सेक्शन, फिर बैटिंग सेक्शन, फिर ऑलराउंडर सेक्शन, फिर दोस्तों बॉलिंग सेक्शन। तो आपको वीडियोस को ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना मेरे भाई। बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले नीदरलैंड वुमेन्स की तरफ से जो कि आपको विकेट कीपर मिलने वाले हैं बीडी लीड गाइस जो कि राइट एंड बैट्समैन है। रिसेंट फॉर्म की बात करते, देखिए इन्होंने जो 5 मैच खेले गए जिसमें कि 2-1-10-24, मतलब 24 ही है इससे उतना ज़्यादा एडवांटेज है नहीं इस प्लेयर के ऊपर। आयरलैंड वुमेन्स के गेस में 5 मैच इन्होंने खेले जिसमें कि 54 रन बनाए, 31 के स्कोर से बैटिंग करती, 62 इनका हाईएस्ट स्कोर आयरलैंड वुमेन्स के गेस में था। दोस्तों वेन्यू पे 2 मैच हैं जिसमें कि 8 ही रन है गेस। अगर हम बात करें टीम सिलेक्शन के गेस तो हेड टू हेड के अकॉर्डिंग लेकर के जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी फॉर्म है टीम के गेस में। बाकी रिसेंट उतना अच्छा T20 मैचेस में गाइस इनको देखने को नहीं मिला, मतलब परफॉर्मेंस उतना खास इनका रहा नहीं है गाइस। बाकी सिलेक्शन इनका बहुत कम होगा क्योंकि इनको दोस्तों लोग बहुत कम जानते हैं, इनका फायदा आप भरपूर उठा सकते हैं, वो स्मॉल लीग हो दोस्तों, चाहे ग्रैंड लीग, चाहे हेड टू टीम हो। आयरलैंड वुमेन्स की तरफ से आपको मिलेगी एमे हंटर जो कि रिसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं, इनका T20 के 3 मैच इन्होंने खेले जिसमें 44-33-15, अच्छी फॉर्म कह सकते हैं। और अगेंस्ट टीम के बारे में बात करते हैं नीदरलैंड के गेस में, दोस्तों इन्होंने 1 मैच नहीं खेला, ग्राउंड पे इनका पहला ही मैच होने वाला। सिलेक्शन की बात करें कि इस प्लेयर का सिलेक्शन हाईएस्ट होगा और प्लेयर अच्छी बैटिंग भी कर रही है रिसेंट देख सकते हो, तो टीम में आपको इस प्लेयर को जरूर लेकर चलना है। बाकी आप रिस्क जो कि बीडी लीड के ऊपर भी ले सकते हैं। अगेन आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जो बैटिंग सेक्शन रहने वाला है दोनों तरफ से और किन किन बैट्समैन को अपनी टीम में रखना है और क्या रिकॉर्ड क्या स्टैट्स है वो जानते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करें नीदरलैंड वुमेन्स की तरफ से जो कि आपको मिलने वाले एच साइगर जो कि टीम के कैप्टन है गाइस। रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं, अगर हम इनका देखते हैं 4 मैच जो कि T20 गाइस इन्होंने खेले, यहाँ पे 40 नॉट आउट, उसके बाद 6 फिर 6 49 नॉट आउट गाइस। तो ये बैट्समैन को तो आपको टीम में रखना ही रखना है रिसेंट के अकॉर्डिंग। बाकी दोस्तों अगर हम देखते हैं आयरलैंड के अगेंस्ट में दोस्तों इनका बल्ला कुछ खास चलता नहीं है, 5 मैच में ओनली 45 ही रन है, 9 के एवरेज स्कोर से बैटिंग करते हैं, 2 मैच में 24 रन, 12 के एवरेज स्कोर से इस ग्राउंड पे बैटिंग करते हैं। तो ग्राउंड पे कुछ खास नहीं है ना ही दोस्तों हेड टू हेड में खास है। बाकी रिसेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रहेंगे, टीम के कैप्टन है, तो कुछ ना कुछ इनके ऊपर भाई भरोसा कर सकते हैं आप। यहाँ पे बात करेंगे एच लेंधीर की जो कि रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं, बैटिंग नहीं मिली, फिर 0 फिर 14 फिर बैटिंग नहीं, इनका बैटिंग ऑर्डर गाइस बहुत डाउन है, मतलब बहुत नीचे बैटिंग करने आएगी। और आयरलैंड के अगेंस्ट में 2 मैच खेले जिसमें दोस्तों इन्होंने बैटिंग नहीं करी, ग्राउंड पर इनका पहला मैच होने वाला है, तो इस प्लेयर को आप बिल्कुल ना रखिएगा, जहाँ तक ये प्लेयर पूरी तरीके से रिस्की रहेगा, क्योंकि दोस्तों जब बैटिंग नहीं मिलेगी तो क्या ही मतलब होगा। उसके बाद बात करते गए यहाँ पे पी मोल केम वायर की, तो रिसेंट अगर हम देखते हैं 5 रन नॉट आउट, उसके बाद 4 फिर 3 फिर यहाँ पे बैटिंग है, इस प्लेयर का भी बैटिंग ऑर्डर बहुत डाउन है। बाकी दोस्तों देखिए बैटिंग ऑर्डर डाउन भले ही है, बाकी मुझे लग रहा है कि यहाँ तक बैटिंग आ भी सकती है दोस्तों, क्योंकि सामने टीम में जो भाई बॉलिंग लाइनअप ऑलराउंडर लाइनअप आयरलैंड वुमेन्स का काफ़ी कंसिस्टेंट अच्छी फॉर्म रहती है, अच्छी खासी बॉलिंग भी कराती है, तो इस टीम का भाई टॉप ऑर्डर गिरता है तो फिर यहाँ तक बैटिंग भी आ सकती है।
हेटवर्ड की बात करते हैं, पहला मैच है ग्राउंड पे इनका, पहला मैच है। बाकी अभी इस टीम से अगर हम बात करें गए तो आपको एच साइगस को ही अभी फिलहाल के लिए टीम में रखना होगा। आयरलैंड वुमेन्स की तरफ से जी लेविस, जो कि रीसेंट फॉर्म की बात करते हैं, 0-2-17 हेड टू हेड के 5 मैच खेले, जिसमें कि 97 रन 24 करोड़ से बैटिंग करते हैं ग्राउंड पे 3 मैच में, 62 रन 62 करोड़ से बैटिंग करते हैं, मतलब 3 मैचेस खेले ग्राउंड पे, तीनों मैचेस में दोस्तों नॉट आउट रही है। बाकी हेड टू ठीक है, 24 कवरेज भाई वुमेन्स के लिए बहुत ही गजब होता है, बहुत अच्छा माना जाता है, तो मैं कहूँगा टीम में आप इनको लेकर के जा सकते हैं। आज स्टोकेल की बात करेंगे, रीसेंट फॉर्म देखिए 0-15-5 हेड टू हेड इनका भी बढ़िया, 4 मैच में 89 रन 22 करोड़ स्कोर से बैटिंग करते हैं ग्राउंड पे, इनका पहला ही मैच होने वाला है। बाकी देखिए मैं कहूँगा कि अगर आप यहाँ पर नीदरलैंड वुमेन्स टीम पहले बैटिंग करते हैं तो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रख सकते हैं। बाकी इनका देखिए बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा नीचे है गाइस, गैबी लेविस का तो टॉप पे रहेगा, बाकी यहाँ पे स्टोकेल का नीचे है गाइस, तो फिर क्या करेंगे, स्टोकेल के ड्रॉप करके लेविस को हम टीम में ट्राई करेंगे। एल लिटिल की बात करते गाइस, देखिए रिसेंटली यहाँ पे बैटिंग नहीं, फिर यहाँ पे नॉट आउट थी, 1 रन बना करके, फिर बैटिंग नहीं, फिर 0-3 हेड टू हेड का दोस्तों पहला मैच है ग्राउंड का, पहला मैच है इनका, बैटिंग और इनका भी डाउन हो गया, तो फिर मैं कहूँगा इनको भी आपको ड्रॉप करके चलना होगा। अगेन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट जो प्लेयर मिलेंगे आपको ऑलराउंडर सेक्शन से गाइस, अगर हम बात करें नीदरलैंड की तरफ से जो कि आपको मिलने वाले गाइस रिस्क के गाइस, जो कि अगर हम रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं कि बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं, 14 रन 4 विकेटें, 2 रन + 0, फिर यहाँ पे 2 रन + 2 विकेट, सबसे अच्छी फॉर्म की बात करते हैं हेड टू हेड में, देखिए बॉलिंग तो कराई नहीं, बाकी भाई रन बनाए बहुत गजब के, 5 मैच में 91 रन 30 स्कोर से बैटिंग करते हैं ग्राउंड पे, 2 मैच में 25 रन है गाइस, तो मैं कहूँगा यार इस प्लेयर को तो आपको रखना है। रिसेंट देखिए बॉलिंग भी कर रहे हैं, 4 विकेटें भाई यहाँ पे, 2 विकेटें, तो यार कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक भी कहीं ना कहीं रहेंगी और बहुत कम लोग इनको ट्राई करेंगे और ये ओवर तो कराएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस स्पेल तो जरूर कराएंगे। तो गाइस आप मान के चलिए आज रिस्के को आप कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों ट्राई कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आई विलिंग की बात करते हैं, रिसेंट फॉर्म देखिए 9 रन + 1 विकेट, 3 रन + 0, फिर 11 रन + 2 विकेट, हेड टू हेड की बात करें 5 मैच में 10 रन है और 5 विकेटें, और मेरे दोस्तों पहला ही मैच होने वाला है, मतलब दोस्तों बैटिंग और इनका डाउन है। बाकी अगर हम देखते हैं बॉलिंग की, तो बॉलिंग बढ़िया करा रही टीम के गेम्स में भी, रिसेंट अगर हम देखते हैं तो विकेट मिल रही, और मैं आपको बता दूं कि ये ओवर कराएंगे, ठीक है ओवर तो 3 से 4 कंफर्म कराएंगे, तो टीम में आप इनको ट्राई करिएगा जरूर। लेकिन यहाँ पे इलेंज की बात करते हैं, रिसेंट देखिए 2 विकेट, 0 विकेट यहाँ पे, फिर 2 विकेट, हेड टू 4 मैच में 1 रन 7 विकेटें, और ग्राउंड पे दोस्तों पहला ही मैच है। ये देखिए प्लेयर का परफॉर्मेंस है टीम के गेम्स में, यानी कि आयरलैंड वुमेन्स के गेम्स में भाई बॉलिंग गजब की है, 4 मैच में 7 विकेटें, तो मान के चलिए 1-2 विकेट तो कन्फर्म मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, मतलब कि नीदरलैंड टीम की तरफ से अगर आप देखेंगे तो फिर बैटिंग सेक्शन और विकेट कीपर सेक्शन कुछ खास नहीं मिल रहा, तो फिर आपको बस इन तीनों प्लेयर को जरूर रखना, आप हर टीम में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों तीनों प्लेयर बॉलिंग और बैटिंग सब करा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आयरलैंड वुमेन्स की तरफ से, जो कि आपको मिलने वाली लॉरा डेलेनी, जो कि भाई बॉलिंग और बैटिंग दोनों करती है, रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं 14+0 विकेट, 20+1 विकेट, 34+0 विकेट गेस। या मैं आपको T20 का रिकॉर्ड ही बता रहा हूँ। हेड टू हेड की बात करेंगे 5 मैच में 143 रन है, +5 विकेटें भी ग्राउंड पर, 2 मैच में 34 रन 3 विकेटें, तो ये तो आपके लिए सेफ कैप्टन रहने वाले गेस। तो ये मान के चलिए देखिए सबसे ज़्यादा क्या करेंगे लोग, प्रिंट कास्टो को कैप्टन करने वाले और वाइस कैप्टन यहाँ पे लॉरा डेलेनी को ट्राई करने वाले, तो आप रोटेशन करिएगा इस, आप यहाँ पे लॉरा डेलेनी को कैप्टन कर सकते हैं और वाइस कैप्टन प्रिंट कास्टो कर सकते हैं, क्योंकि लॉरा डेलेनी दोस्तों आपको पता, तो डेथ में भी बॉलिंग कराएंगे, आपको मिडिल पे भी मिलेगी और साथ साथ दोस्तों आपको स्टार्टिंग पे भी ये स्पेल कराते जरूर नजर आएंगे, तो आपको कैप्टन डेलेनी को ट्राई करने का। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं ओला प्रिंट ग्रास्ट की, तो रिसेंट 40 रन + 1 विकेट, 2+0 16+1 हेड टू 4 मैच में 38 रन 3 विकेटें ग्राउंड पे, दोस्तों इनका पहला ही मैच होने वाला है। और देखिए प्रिंट कास्ट का फिलहाल हेड टू भी कुछ खास नहीं, 4 मैच में 3 ही विकेट गए। और अगर बात करें वाइस कैप्टन की, तो वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर की बैट्समैन भी रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक एली की बात करते हैं, 0+0 विकेट, 13 रन + 1 विकेट, 12+3 विकेट हेड टू हेड और वेन्यू दोस्तों पहला ही मैच होने वाला है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं, तो यार मान के चलिए अगर बैटिंग नहीं मिलती फिर भी आपको बॉलिंग के लिए लेकर के जरूर चलना होगा, मतलब कि दोस्तों ये स्पेल जरूर कराएंगे। अगर आप दोस्तों देखिए ऐसे एप्लीकेशन पर खेल रहे हैं जहाँ पे आपको 5 से 6 प्लेयर रखने का मौका मिलता है, तो फिर आप 6 ही ऑलराउंडर को दोस्तों अपनी टीम में ट्राई जरूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जो बॉलिंग सेक्शन रहने वाला है इस टीम का और किन किन प्लेयर को हम अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नीदरलैंड की तरफ से जो कि आपको मिलने वाला है आई वी डेर ओनिंग, इनके बारे में बात करके रिसेंट देखिए 3 मैच जो इन्होंने खेले, एक में भाई बॉलिंग और बैटिंग नहीं करे, फिर यहाँ पे 0 फिर 0। और आयरलैंड वुमेन्स के केस में 2 मैच में 2 विकेटें ग्राउंड पर, दोस्तों उनका पहला ही मैच होने वाला है। सिलेक्शन की बात करेंगे, देखिए रिसेंट कुछ खास कर नहीं रहे टीम के केस में, 2 मैच में 2 विकेटें, तो रिस्क ही रहेंगे, सभी टीम में लेकर जाने की गलती आपको नहीं करना। सीडी लेंज की बात करते हैं, 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, यहाँ पे 2 विकेट, हेड टू 2 मैच में 2 विकेट ग्राउंड पे, दोस्तों पहला ही मैच है। तो आप अगर ट्राई करना चाहते हैं किसी को नीदरलैंड टीम की तरफ से, तो फिर आप यहाँ पे डी लैंस को दोस्तों ट्राई कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एम ज्वेलिंग की, रिसेंट देखिए 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट और हेड टू हेड और वेन दोस्तों पहला मैच है, तो गाइस ये मान के चलिए आप इन दोनों में किसी एक को भी रख सकते हैं और दोनों को खास करके ट्राई कर सकते हैं भाई, क्योंकि इस टीम के भाई बॉलर्स और बैट्समैन ऑलराउंडर पे बहुत कम लोग भरोसा करेंगे, ये मान के चलिए आप, तो फिर दोनों को ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज दो में किसी एक को तो आपको अपनी टीम में जरूर जगह देना है। लेकिन यहाँ पे सी
बैन कुल विज की बात करते हैं, देखिए इन्होंने अभी तक T20 का फिलहाल मैच खेला नहीं, पहला डेब्यू मैच होगा। एंड अगेन रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं, कुछ खास नहीं है, Under-19 के मैचेस खेले, Head-to-head तो पहला मैच होने वाला है, तो कहीं ना कहीं टीम में आते तो कुछ खास यहाँ पे है नहीं, तो मैं ड्रॉप करने का रिस्क लूंगा और आप भी ट्राई करिएगा ड्रॉप करने का। आयरलैंड ओमेंस की बात करते हैं, GDMC रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 0-0, फिर यहाँ पे बैटिंग और बॉलिंग, Head-to-head दोस्तों पहला मैच होने वाला है। सिलेक्शन की बात करके सबसे हाईएस्ट बॉलिंग सेक्शन में इसी प्लेयर का सिलेक्शन रहने वाला है। दोस्तों बात करते हैं आयरलैंड ओमेंस टीम की तरफ से जो बॉलिंग सेक्शन रहने वाला है, आपको मिलने वाले JDMC, इनका सिलेक्शन भाई आपको बता दो 80% प्लस रहने वाला है, मतलब बहुत लोग इनको टीम में ट्राई करने वाले। रिसेंट अगर हम बात करें 3 मैच जो इन्होंने खेला भाई, ओनली 1 विकेट है, और हेड टू हेड में दोस्तों पहला मैच खेलने वाले हैं। सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन रिसेंट तो उतना खास नहीं, बट अगर हम देखते हैं भाई जो नीदरलैंड ओमेंस टीम मिल रही है तो उस टीम के अगेंस्ट में कुछ अच्छा कर सकते हैं क्योंकि पहला मैच है और फिलहाल अच्छी बॉलर्स भी हैं, मतलब अनुभवी बॉलर्स है जो सामने टीम में, जो बैटिंग लेने में उतना खास है नहीं, तो फिर मैं कहूँगा ट्राई कर सकते हैं। बाकी 2 टीम बनाएंगे तो ओनली 1 ही टीम में ट्राई करना है आपको। कारा मुरारी की बात करते हैं, रिसेंट देखिए 0-0-1, हेड टू हेड बहुत ही गजब की फॉर्म है, 1 मैच है 3 विकेट है, ग्राउंड पे 1 मैच है दोस्तों 1 विकेट है, तो मुरारी को तो भाई आपको ट्राई करना ही करना है, स्पिनर है और साथ साथ कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक भी कर लेना है, क्योंकि तो आपने देखा है भाई ग्राउंड पे स्पिनर का बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक इनिंग जो कि रिसेंट 0 विकेट 0-0 हेड टू हेड की बात करें, 3 मैच है दोस्तों 1 ही विकेट है, ग्राउंड पे पहला मैच है, तो भाई कैनिंग को तो ड्रॉप करने का रिस्क आपको लेना ही लेना है। एम अगर की बात करते हैं, रिसेंट देखिए 3 मैच में ओनली 1 ही विकेट है, हेड टू हेड में दोस्तों पहला मैच है, तो इनका भी कुछ खास चल नहीं रहा। अगर हम इस टीम की सिलेक्शन की बात करेंगे तो कारा मुरारी और डेम्सी, मुरारी को जहां तक आप अपने सभी टीम में लेकर जा सकते हैं, डेम्सी को 2 टीम में ओनली 1 ही टीम में आपको रखने का, 2 टीम बनाते हैं दोस्तों तब 1 टीम बनाएंगे तो फिर जहां तक मैं कहूंगा हाईएस्ट सिलेक्शन है, रिसेंट तो कुछ खास नहीं, बट बाकी तो कुछ अच्छा कर सकते हैं, रख भी सकते हैं। एंड एकेंद दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, बात करेंगे अगर आपने बैट बॉल 11 को डाउनलोड कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट, 20% ग्रेट डिपॉजिट ऑफर, डेली गिव्स मिल जाते हैं, इंस्टेंटली विड्रॉल भी, डिस्काउंट भी आपको बैट बॉल 11 पे मिल जाता है। इसको डाउनलोड नहीं किया तो फर्स्ट कमेंट बॉक्स और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए डाउनलोड कर लीजिए। और साथ साथ दोस्तों अगर आपको लगा करता है भाई कोई मैच ऐसा है जिसमें कि आपको रिस्क लगता है, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना ठीक नहीं लगता, तो फिर मेरे भाई यहाँ पे आपको बहुत सारे गेम मिलते हैं, तो आप इन गेम खेल करके भी पैसे कमा सकते हैं अच्छा खासा, वो भी बैट बॉल 11 पर। गाइस आगे बढ़ते गाइस, हमारी जो टीम रहने वाली, 2 टीम का प्रीव्यू दूंगा मैं आपको, तो कुछ इस हिसाब से हमारी टीम रहेगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन, तो आपके सामने टीम है गाइस, इनका देखिए मैं आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। जैसे गाइस मैंने आपको बताया लौरा डेलेनी वाली टीम आपने देखा था, कैप्टन कर सकते हैं, वाइस कैप्टन प्रिंट ग्रास को कर सकते हैं गाइस। और आपको पता आयरलैंड ओमेंस टीम जहाँ तक वन साइडेड विन कर सकती है, क्योंकि फिलहाल जहाँ तक इस टीम में कंसिस्टेंट प्लेयर भी मिल रहे हैं। एंड अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन की, तो विकेट कीपर सेक्शन से हमने हंटर को रखा गया, बाकी आपने देखा जो कि फिलहाल मतलब कि सामने टीम यानी कि नीदरलैंड ओमेंस टीम में जो विकेट कीपर मिल रहे हैं उनका भी हेड टू हेड बहुत ही कंसिस्टेंट है, तो उस प्लेयर का भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। अभी फिलहाल के बैटर से हम एच साइगर्स को रखेंगे, जिस टीम में मैंने बताया था कि ओनली आप एक बैट्समैन को ट्राई करके 6 ऑलराउंडर को रख सकते हैं गाइस, जो कि बैटिंग देखिए सभी का बैटिंग ऑर्डर भाई टॉप पे है, लौरा डेलेनी भी टॉप पे बैटिंग करती है, प्रिंट ग्रास भी, कैली भी भाई बॉलिंग कराएंगे, विस्के भी टॉप पे बैटिंग करती है, और यहाँ पे ज्वेलिंग भी टॉप पे बैटिंग करती है, और यहाँ पे लिंच बॉलिंग कराएंगे, तो फिर रखना पड़ेगा गाइस हमें 6 ऑलराउंडर को, और अच्छी फॉर्म में नजर आएंगे। और यहाँ पे देखिए 2-3 प्लेयर आपको लग रहे होंगे, जैसे ज्वेलिंग ठीक है, लिंच को बहुत कम लोग रखेंगे गाइस, है ना, ज्वेलिंग को बहुत कम लोग रखेंगे, बाकी दोस्तों हम जरूर रखेंगे क्योंकि आपने देखा इनके स्टैट्स एंड रिकॉर्ड क्या है। अगर हम बात करें बॉलर, देखिए डेम्सी को मैंने कहा कि रख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे मुरारी को रख सकते हैं, एंड आईवेंडर ओल्डिंग को दोस्तों हमने रखा हुआ है। अब यहाँ के कैप्टन वाइस कैप्टन इस प्रकार से आप करके जा सकते हैं, जब मुझे लगेगा भाई यहाँ पे आयरलैंड वुमेन्स टीम जो है वन साइडेड विन करेगी दोस्तों, तब क्योंकि यहाँ पे बॉलर्स को भी हमने रखा हुआ है, और यहाँ पे भाई टीम में भी हमने कैप्टन वाइस कैप्टन आयरलैंड प्लेयर को बनाया। लेकिन यहाँ पे बढ़ते हैं दूसरी टीम की तरफ गाइस, जो कि हमारे रहने वाले हैं, दूसरी टीम में कॉम्बिनेशन कुछ हिसाब से रहेगा, रिस्के और यहाँ पे कैली गाइस, कैली की जगह दोस्तों आप यहाँ पे ज्वेलिंग को ट्राई कर सकते हैं, बॉलिंग और बैटिंग दोनों करती हैं, लिंच को भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें विकेट कीपर, तो आप यहाँ पे हंटर का देख सकते हैं, इनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रिसेंट, इनका भी ऑप्शन आपके पास रहेगा अगर आयरलैंड ओमेंस टीम चेस करती है दोस्तों तब, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि भाई नीदरलैंड ओमेंस टीम अगर पहले बैटिंग करेगी तो फिर 80 रन प्लस कुछ कर पाएगी, ऐसा मुझे लग नहीं रहा, तो फिर मैं हंटर को ट्राई कर सकता हूँ वाइस कैप्टन के तौर पर। बाकी गाइस इस प्रकार से जो ऑलराउंडर रहेंगे, लेविस को भी ट्राई कर लिया, यहाँ पे स्टोकेल को रख लिया हुआ गाइस, एंड यहाँ पर डेलेनी को रखा है, प्रिंट ग्रास को रखा है, जब दोस्तों फिलहाल आयरलैंड ओमेंस टीम पहले बैटिंग करेगी दोस्तों तब हमारे ये टीम का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों हमने मुरारी को रखा हुआ है, एंड यहाँ पे डेर वेडिंग को रखा गया, जो कि मैंने आपको बताया कि हम JDMC को दोस्तों दूसरी टीम में ड्राप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी 2 टीम रहने वाली है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टीम बना लीजिए। बाकी दोस्तों आपको कॉन्टेस्ट कब ज्वाइन करना है, ऑफ टॉस टेलीग्राम चैनल पर, है ना, जब ज्वाइन करना वहाँ पे आएंगे तब दोस्तों आप मेरी फाइनल टीम देख पाएंगे और फ्री टीम देख पाएंगे। देखिए दोस्तों बेंच कुछ खास इंपॉर्टेंट रहा नहीं है, तो इसलिए मैंने रखा नहीं, बाकी कोई प्लेयर नया आता है तो फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट
अपडेट मिल जाएगा, कोई चेंजमेंट होता है वहाँ पे अपडेट मिलेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट कमेंट बॉक्स और वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा है। होप अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।